साइंस कहता है कि अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। कई कई लोग तो ऐसा सोते हैं कि बिना 12 से 14 घंटे पहले उठते भी नहीं, बिल्कुल कुंभकर्ण वाली गहरी नींद। चलिए ये भी मान लेते हैं कि कोई इंसान कम से कम 4 घंटे तक तो सोता ही होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 घंटे। लेकिन अभी हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हर दिन सिर्फ 30 मिनट ही सोता है। वो ऐसा सिर्फ 2 या 3 दिन से नहीं कर रहे हैं बल्कि ये सिलसिला 12 सालों से चालू है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है ये इंसान पॉपुलर होने के लिए ऐसा बोल रहा है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जापान के रहने वाले डाइसुके होरी, ये इंसान पिछले 12 सालों से लगातार सिर्फ 30 मिनट सोते हैं, 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट। जी हाँ, साइंस कहता है कि अगर आप कम नींद लेते हैं तो इसका आपकी हेल्थ पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। 40 वर्ष के होरी एक बॉडी बिल्डर हैं और वो बिल्कुल फिट हैं। ये झूठ बोलते हैं या सच, इसका पता लगाने की भी कोशिश की गई। कुछ दिनों तक इनकी देखरेख की गई और पाया गया कि यह 30 मिनट की भी नींद बहुत कम ही लेते हैं। कभी कभी तो यह 26 मिनट में ही उठ जाते थे। कम नींद लेना और काम भी पूरा करना, इतनी कम नींद लेने के बावजूद ये जब उठते तो बिल्कुल तरोताजा रहते। अब इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। होरी एक हाईली डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा करता है रेगुलर एक्सरसाइज और कॉफ़ी का नियमित सेवन और कम नींद लेकिन गहरी नींद लेना। वैसे होरी ने जब इसकी शुरुआत की होगी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती रही होगी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को इस कैपेबल बना लिया कि सिर्फ 30 मिनट सोकर वह अगले दिन की चुनौतियों के लिए फिर से तैयार हो जाते। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जैसे और भी लोगों को भी ढूंढ लिया है। इसके लिए उन्होंने जापान शॉर्ट स्लीपर्स ट्रेनिंग एसोसिएशन भी बना लिया। यहाँ लोग आकर कम सोने के तरीके सीख सकते हैं। वैसे मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला। आप कितने घंटे सोते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।